हाय एवरीवन, ये जो जूसर है फिलहाल मेरा कैमरे का स्टैंड बना हुआ है, बिकॉज मेरा सेल्फी स्टिक टूट गया था, तो मैं इसके बीच में फ़ोन को लगा करके वीडियो बनाती हूँ। तो ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आपका कुछ करने का मन है तो आप उसे कर सकते हैं, तरीके निकल आते हैं। अच्छा, आज की वीडियो का मेरा पर्पज़ ये है कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम हाइट बढ़ा सकते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन, लाइक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन ना मेक मी थिंक डीप, बिकॉज इसका जवाब तो हाँ या ना में है, पर वो सफिशेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जवाब है ना। अगर आप वो सर्टेन एज पार कर चुके हैं, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, इफ यू आर ये लोग लाइक मोर देन दैट, तो आप नहीं कर सकते, हाइट नहीं बढ़ सकती। बिकॉज जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वैसे ही लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, वैसे ही अपने फिजिकल उसके भी लॉज होते हैं। अगर मैं सोचूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के मैं उड़ने लग जाऊंगी, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा करके मैं 25 ईयर्स से 20 ईयर्स की हो जाऊँ, वो नहीं पॉसिबल है ना। टाइम भी अपने उसमें चलता है। यही तो ब्यूटी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि वो सब कुछ साइंटिफिक वे के ऊपर है, सब कुछ ये वाइब्रेशंस के ऊपर है। ओके, सो द आंसर इज नो, एंड माई पॉइंट वॉज कि सी स्पेसिफिकली आई एम नॉट वेयरिंग एनी मेकअप फॉर दिस। यूजअली भी मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती हूँ वीडियो करने से पहले, बट आई आई पुट ऑन लिपस्टिक एंड थोड़ा सा पाउडर, जस्ट टू फील यू नो फ्रेश, फ्रेशनेस की सी फीलिंग आती है कैमरा के ऊपर। बट ऐसा कुछ मेरा रूल नहीं है कि और मतलब मुझे रेडी होकर के ही वीडियो बनाना है। बिकॉज जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया है कि आई एम कंफर्टेबल इन माय ओन स्किन, लाइक दिस इज मी, दिस इज मी, आई हैव एक्सेप्टेड इट, आई एम प्राउड ऑफ इट। ठीक है, बहुत से लोग बिना मेकअप के आते ही नहीं है कैमरा के ऊपर, बहुत फिल्टर्स लगाते हैं, तो हर कोई अपने अलग अलग फेज में होता है। हाइट का ऐसा इशू है कि ऑफ कोर्स आई वुड अग्री कि अगर कोई किसी की हाइट अच्छी है, लड़का या लड़की की, आपकी नज़र उनके ऊपर जाएगी, एक बार आपको लगेगा कि क्या पर्सनैलिटी है। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने जेनेटिक लॉटरी जीत ली है, मतलब आपके जीन्स अच्छे हैं, उसमें आपने खुद ने क्या किया है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्शन आपको जीन्स से मिलता है, आपकी हाइट आपको जीन्स से मिलती है, आपके फीचर्स आपको जेनेटिकली उससे मिलते हैं, तो उसमें आपने क्या किया, आपकी पर्सनैलिटी क्या बनती है, आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी नॉलेज कितनी है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप में कॉमन सेंस है कि नहीं, आप में सेंस ऑफ ह्यूमर है कि नहीं, आप में एम्पथी है कि नहीं। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहूंगी, पर जहां तक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो काइंड ऑफ गुड लुक्स वाले जो लोग होते हैं, जो कि सोसाइटी के सारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर लाइक सारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर खड़े उतरते हैं कि उनकी हाइट पर्टिकुलर होती है, उनका फिगर वैसा होता है, उनके मसल्स वैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर लुक्स, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, जो अटेंशन दूसरी जगह भी दी जा सकती है दूसरे लोगों को भी वो नहीं दे पाते। सारे लोग ऐसे नहीं होते, आई वुड मेंशन अगेन, किसी भी चीज़ को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। कई लोग अपने बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं अपनी स्किन के अंदर, दे कैन गो ऑन कैमरा लाइक दे कैन बी प्राउड ऑफ हु दे आर, है ना, तो इसको भी जनरलाइज करना एकदम सही नहीं है। पर इसे सिंपल सी बात है कि मैं हूँ, ये मैं हूँ, इसमें मुझे छुपाने की क्या बात है, मैं ऐसे दिखती हूँ, इसमें ना ही मैं कुछ किसी को कुछ कह रही हूँ, आई एम नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट, ये मैं हूँ, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मेरी हाइट अगर 5'5" 5'6" है, इसमें मैंने क्या तीर मारा है, वो तो मेरे मम्मी पापा से मिली है ना मुझे। तो लेकिन मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकती कि दिमाग में आता है कि मेरी हाइट अगर इतनी होती ना, मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा होता, तो पता नहीं मैं क्या कर लेता, क्या कर लेती। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आपने अपने मन में एक चीज का वो बना रखा है ना, ये हो जाएगा तो मैं वो हो जाऊंगा, और वो चीज तो होगी नहीं, तो आप वो हो नहीं पाएंगे जो आप होना चाहते हैं। मतलब मैं कितने लोगों का एग्जांपल दूं, सलमान खान, आमिर खान, जिन लोग की हाइट कम है,
और जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज होती है जिनके पास सब कुछ है, हमारे हिसाब से लुक्स भी हैं उनके पास में, कार्स भी हैं, पर कितने लोगों को हमने सुना है कि वो डिप्रेशन में है, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमें दिख रहा है वो सही हो, मतलब जैसे ही वो चीज़ हमें मिलती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसकी वैल्यू एकदम कम हो जाती है। तो उसका छोटा सा एग्जाम्पल मेरे पास में ये है, विच आई एम रियली प्राउड ऑफ, यू नो, बहुत ही छोटा है जो मैं बता रही हूँ उसके सामने। दिवाली पे मैंने क्या किया था कि अपने लिए लहंगा ना अलग से परचेज नहीं किया था, लहंगा या साड़ी, मैंने सोचा था कि जो मेरे पास रखा है मैं उसी को मिक्स एंड मैच करके पहन लूंगी। ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। बस मैंने एक चीज सोची थी कि मैं अपने बालों को स्ट्रेट कराऊंगी, टेम्पररी स्ट्रेटनिंग कराऊंगी, टू यू नो पैम्पर मी, मेरे को फीलिंग आनी चाहिए दिवाली, क्योंकि मेरे को पटाखे जलाने का इतना शौक नहीं है, तो मुझे भी लगना चाहिए कि फेस्टिव फीलिंग आ रही है, तो मैं अपने बालों को कराऊंगी। ठीक है, मैंने पूरे दिन हमने मिठाई वगैरह बनाई, बहुत अच्छा गया हमारा दिन। 6:30 के करीब मैं निकली, फिर मुझे लगा ओ गॉड आज दिवाली है, पार्लर्स में भी तो दिवाली होगी ना आज, तो वो लोग कैसे मतलब मुझे एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। सिंस आई एम अ बिलीवर इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मैंने सोचा नहीं मैं एक ट्राई करके जरूर देखूंगी, मैं घर में रहकर ये नहीं सोच सकती कि मैं गई नहीं। मैं गई, मैंने 4-5 पार्लर्स के ऊपर पूछा, वहां पे ऑलरेडी टीके लग के लगभग पूजा शुरू हो गई थी, कुर्ते उड़ते सबने पहन लिए थे, तो मैं आ गई। फिर अब यहां पे वही है, मेरा दिमाग जैसे ही उल्टा चलने लगा कि यार मेरी तो हेयर स्टाइल अच्छी नहीं बन पाएगी, आज का तो दिन खराब हो जाएगा, मैंने फटाफट से अपने आप थिंकिंग चेंज करी कि मेरा अभी तक का दिन बहुत अच्छा गया है, पता है, बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में, आई एम हैविंग द बेस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और मैं इस इतनी सी चीज के लिए, 99 चीजें मेरे पास है, 1 चीज के लिए मैं अपनी चीज को, दिवाली को तो बिल्कुल स्पॉइल नहीं होने दूंगी। मैं इसके ऊपर जो थंबनेल लगाऊंगी ना अपने दिवाली के पिके लगाऊंगी, और मैंने जो इमेजिन किया था कि मैं अच्छी लग रही हूं दिवाली के ऊपर, मैं उन्हीं फीलिंग्स को अट्रैक्ट करूंगी। राइट एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड आई एम नॉट गोइंग टू ऑब्सेस ओवर माई हेयर, क्योंकि हमारी टेंडेंसी वही होती है, जो चीज़ नहीं होती ना उसके ऊपर हम ऑब्सेस होते रहते हैं, तो जो सामने की जो चीज़ सामने मोमेंट चल रहा था ना उसको हम स्पॉइल कर देते हैं। अगर मैं ये चीज़ किसी और को बोल देती कि देखो यार मेरे तो बाल खराब है, उसका भी मूड खराब हो रहा है, समझो ना, तो मैंने क्या किया कि हाँ मैं रेडी हुई और मैंने इस मेमोरी को, मैं बहुत सारी दिवालियों में रेडी हुई हूँ बहुत अच्छे से, पर ऐसी मेमोरी नहीं थी जिसके अंदर कि मैंने दिवाली की शाम को जाकर के पार्लर पे खड़खड़ आ रही हूँ और बोल रही हूँ मेरी स्ट्रेटनिंग कर दो, और उस मेमोरी को मैंने बहुत फनी वे में मतलब रखा अपने दिमाग में कि ये यूनिक दिवाली थी, जिसको मैंने आज वीडियो के फॉर्म में भी बना लिया। दिस वॉज समथिंग टू रिमेम्बर, यू नो, फॉर के मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैंने ऐसे प्लानिंग किया जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट इट वॉज अ ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज, मेरे पास एक मेमोरेबल मोमेंट आया। ठीक है, मैं बहुत बात करती हूँ, 8 मिनट का वीडियो हो गया, इसको अपलोड होने में पता है 1 घंटा 4 घंटे लगेंगे। ओके देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।